सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे अभी 7:30, तो मैं जा रहा हूँ जिम। मौसम देखो कितना शानदार हो रहा है, एकदम मज़ेदार मौसम हो रहा है। तो आज वर्कआउट करेंगे, आज करेंगे बैक में डेडलिफ्ट और बाकी के बैक की वो एक्सरसाइज होगी। और डेडलिफ्ट तो मेरी फेवरेट है, तो मज़ा आएगा वर्कआउट में। तो और आज मैं नए जिम में जा रहा हूँ, तीसरा वाला जो है, जो मैंने आपको दिखाया नहीं था अभी, जो भी दिखाऊंगा और वर्कआउट करेंगे साथ में, मजे करेंगे और बाकी आके आपसे बातें करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, बाय। सो गाइस, जिम में आ गया हूँ और अब करेंगे वर्कआउट स्टार्ट। हल्की हल्की बारिश आ रही थी बाहर, तो गीला हो गया मैं वैसे तो, पर ठीक है। ये वाला जिम देख लो, ये जिम बैठे रह सकते, यहीं पे फिक्स हो गया आपका। तो गाइस, वर्कआउट से पहले अच्छे स्ट्रेचिंग कर ली मैंने लोअर बैक, ताकि सोर ना हो, इसकी वजह से पेन ना हो। तो मैं वर्कआउट करूँगा, पहले डेडलिफ्ट मारूंगा, फिर बाकी सब करूँगा। ठीक है गाइस, बाद वहाँ से जिम से घर गया। फिर मैंने अपना डाइट ली और अब मैं नहा धो के आ गया हूँ, जरा कुछ काम था मेरे को अहमदाबाद, तो पापा से अहमदाबाद आया हूँ। तो उस चक्कर में अभी मैं काफ़ी मतलब भागा दौड़ी चल रही है, तो काफ़ी वो हो रहा है। तो मैं मेनली गुजरात इसलिए आया क्योंकि हमारी फैक्ट्री जो है, हमने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है स्पीकर की, तो इस चक्कर में मेरी ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ कम हुआ पड़ा था यहाँ पे, तो मैं फैक्ट्री के चक्कर में भी आया हूँ। तो हमारी हमने नया काम स्टार्ट किया है बस स्पीकर की बास्केट बनाने का, तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग भी कम डाल रहा हूँ और बातचीत मेरी तुम लोगों से काफ़ी कम हो रही है। तो अभी चल रहा है काम, अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ अभी प्रॉपरली, अभी लगे पड़े हैं उसके लिए। इस चक्कर में ना काफ़ी बिजी चल रहा है सब कुछ। तो मैंने जिम भी अभी स्टार्ट किया है 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था पहले। तो फिर मैंने वर्कआउट किया, स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट किया और अब मैं मतलब रेगुलर हो चुका व्लॉग्स में भी, डेली व्लॉग्स आएंगे मेरे। और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो करण गिल चैनल को। और बस यही था, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके गाइस, बाय।
दुश्मनों से हारना, पर दिल के टुकड़े होते हैं जब दुश्मनों में यार हो।